गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुपर 60 एजुकेशन हब में मैं सचिन यादव आज आपके साथ एक नई वीडियो लेकर आया हूँ वोकैबुलरी सेशन की। वो वोकैबुलरी सेशंस जो द हिंदू वर्ल्ड पावर के चलते हमारे सामने हमारी वीडियोस में प्लेलिस्ट हमारे सामने है, जहाँ पे 6 वीडियोस पड़ी हुई है द हिंदू वोकैब की। उसी में आगे हम बढ़ते हुए अगले अगला सेशन अपना हम लेके आ रहे हैं। हाँ, थोड़ी सी रेगुलरिटी उसमें नहीं रह पाती है, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, बट फिर भी कोशिश की जाती है कि अच्छा कंटेंट आपको देते रहे हम। तो आज फिर एक नई कोशिश है, एक नई वीडियो की। तो आपके सामने स्लाइड दिख रही होगी, इंग्लिश संतोष सेवा सर को जानते हैं आप, सरकार पेज सुपर सिटी एजुकेशन है। मतलब इंग्लिश तो हम लोग के चैनल का बेस है ही, बट उसके साथ हम कोशिश करते हैं बाकी चीज़ें भी आपको प्रोवाइड करते रहें। तो ज़्यादा ना गोल करके हम आगे बढ़ते हैं। तो हिंदू की ये वर्ड्स हैं सारे, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग, जो वर्ड्स मैं आपको यहाँ पढ़ाऊंगा उसके बाद ये पूरे वर्ड्स पूरी की पूरी PDF का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे दिया रहूंगा, वहाँ जाकर के आप पूरा PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे बेटर ये चीज़ रहेगी, पहले PDF डाउनलोड कर लीजिए आप, उसके बाद PDF सामने रख करके मेरी वीडियोस को देखते रहिए, और साथ ही साथ बाद में रिवीजन करना होगा तो खुद से भी देख करके उसका तैयार रहे। पूरी वीडियो कंप्लीट वीडियो देखिएगा, क्योंकि वर्ड्स के बीच में डिफरेंसेस भी होते हैं जो मैं यहाँ पे आपको समझा सकता हूँ, शायद वो वहाँ पर बुक में देख करके या फिर अपने PDF में देख करके आप उतना कॉन्सेप्ट उसका ना क्लियर कर पाए। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, अपने पहले वर्ड की तरफ चलते हैं, स्लाइड हम आगे कर लेते हैं। पहला वर्ड हमारे सामने दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, अपनी पहला वर्ड है हमारा स्क्रूटनी। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है इसकी, हाँ तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। पहला वर्ड है हमारा स्क्रूटनी। स्क्रूटनी आप लोग जानते होंगे समीक्षा करना, जैसे आपके जो फाइनेंशियल अकाउंट्स वगैरह होते हैं, बैंक अकाउंट्स होते हैं, उन पर बता दें स्क्रूटनी लगने वाली, मतलब उसकी कुछ ऐसी डाउटफुल चीज़ें नज़र आती हैं गवर्नमेंट को या फिर इनकम टैक्स वगैरह को, जहां पर वो उसका उसकी समीक्षा करना, उसकी जांच पड़ताल करना चाहते हैं, तो वहां पर हम इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं स्क्रूटनी। ठीक है, प्रोनंसिएशन भी आगे दिया हुआ है, नाउन क्लास का है आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, और मीनिंग आगे दी हुई है आपकी क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन और एग्जामिनेशन, मतलब कि बहुत ही गहन परीक्षण करना उसका, हर एक छोटे छोटे चीज़ों का अवलोकन करना। उसे हिंदी उसे क्या लिखी यहाँ पे हमारे यहाँ समीक्षा। सिनोनिम्स देख रहे होंगे आप, ऑडिट आप लोगों ने सुना होगा, पेरियूजल अच्छा वर्ड है, थोड़ा सा फोकस करेगा इसे, पेरियूजल मतलब ध्यान से देखना, किसी को ध्यान से देखकर समझना। ठीक है, सर्वेलेंस, सर्वेलेंस आपने सुना है, जो आपका अगर बताते हैं ना मोबाइल वगैरह सर्वेलेंस पर लगा दिया जाता है, जिससे क्या हो सके आप पर निगरानी रखी जा सके, आपका निरीक्षण किया जा सके कि आपकी हरकतों पर मतलब पुलिस विभाग का कंट्रोल हो, तो वहाँ पर हम सर्वेलेंस की चीज़ों को लगवाते हैं। ठीक है, एक्सप्लोरेशन, किस चीज़ को एक्सप्लोर कर देना, मतलब उसकी पूरी तरीके से समीक्षा कर देना, ओपन करके रख देना, एक एक चीज़ें सबके सामने प्रदर्शित कर देना, वो भी एक तरीके का अवलोकन ही होता है। ठीक है, हम इसके सॉरी एंटोनिम्स देखेंगे, ग्लांस मतलब कि एक सरसरी निगाह उस पर डालना, हल्की सी निगाह डालना, कर्सरी लुक, कर्सरी की हिंदी होती है आप लोग जान लीजिए, सरसरी मतलब कि जल्दी जल्दी से, तो कर्सरी लुक मतलब जल्दी से देख कर किसी चीज़ को निकल जाना। ठीक है, यूजेस हम आगे देखते हैं, वी हैव अराउंड 45 करोड़ बैंक अकाउंट्स, हमारे पास कुल 45 करोड़ बैंक अकाउंट्स है, एंड और इफ 1% ऑफ सच अकाउंट्स, और ऐसे अकाउंट्स का केवल 1% आर पिक्ड अप फॉर स्क्रूटनी, अगर हम समीक्षा के लिए लें या उठाएं, दैट इटसेल्फ विल मेक 45 लाख केसेस। तो अगर उन केवल 1% हम उठाएं स्क्रूटनी के लिए, जांच पड़ताल के लिए, तो हमारे वहां पर अपने आप 45 लाख केस निकल करके सामने आ जाएंगे, ये उस बैंक मतलब जो भी है उनका कहने का मतलब है। ठीक है, तो ये हमारा पहला वर्ड हुआ क्या, स्क्रूटनी। अगला नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा पर्जर। ठीक है, प्रोनंसिएशन का ध्यान दीजिएगा, पर्जर मीनिंग है विलफुली मतलब इच्छापूर्वक, टेल एन अनट्रुथ, क्या कहना, टेल एन अनट्रुथ मतलब असत्य या झूठी बात कहना, और या फिर मेक अ मिसरिप्रेजेंटेशन अंडर ओथ, मतलब कोई अपनी प्रतिज्ञा वगैरह ली हो और उसको उसको भंग कर दें, मिस रिप्रेजेंटेशन करें उसका, मतलब गलत तरीके से उसको सबके सामने प्रदर्शित करें, तो वो क्या कहलाता है, पर्जर। सिनोनिम्स आपके सामने है, नजर आ रहे होंगे आपको, पहला सिनोनिम्स है डिसीव, मतलब किसी को धोखा देना, धोखा आप कब देंगे, जब किसी को आप झूठ बोलेंगे, उससे गलत बात करेंगे, तो आप क्या करेंगे, धोखा देंगे। डेल्यूड मतलब कि चकमा देना किसी को। एक्विवोकेट चीज़ों को बड़ा ही मतलब उलझा करके प्रदर्शित करना, और मिसलीड गलत तरीके से किसी को प्रेरित करना। ठीक है, इन सब के प्रीवेरिकेट मतलब कि बहुत ज़्यादा हिला हवाली करना, टाल मटोल करना, जो बात सीधी सीधी बात ना बताना, उसको घुमाना फिराना बहुत ज़्यादा, तो ये सब चीज़ें क्या है, जहाँ पर आप सच नहीं बोल रहे हैं, सच को छुपा रहे हैं, वो आप वहाँ पे क्या कर रहे हैं, परजर कर रहे हैं। हिंदी भले से लिखी प्रतिज्ञा भंग करना, लेकिन मैंने जो बताया उस पर आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एंटोनिम्स क्या है, प्रूव कर देना मतलब सिद्ध कर देना, सर्टिफाई कर देना प्रमाणित करना, अटेस्ट, अटेस्ट आप जानते हैं, अटेस्टेड कराते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह की, वो किसी भी अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया कि हाँ ये चीज़ मतलब पुख्ता है, सही है।
यूजर्स में आप देख सकते हैं शी एडमिटेड दैट, उसने ये स्वीकार किया कि शी हैड परजर्ड हरसेल्फ, उसने अपने आप को बचाने के लिए क्या किया था, टालमटोल किया था, सत्य को गलत तरीके से प्रदर्शित किया था, मतलब झूठ बोला था। परजर वर्ड हम जनरली कोर्ट वगैरह में जब कोई कल्प्रिट हो और अपने आप को छुपाने के लिए वो झूठ बोले वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं परजर। ठीक है, तो ये नेक्स्ट वर्ड हो गया। अगले वर्ड पर हम आते हैं, अपना हमारा अगला वर्ड है, देखिए ये वर्ड जो है ये देखने में तो प्रोनंसिएशन कुछ और है लेकिन इसका रियल प्रोनंसिएशन आगे लिखा हुआ है डेनुमा। ठीक है, लास्ट का जो ई एन टी है इससे आप लोग इसको मेंट ना पढ़ दीजिएगा। ठीक है, प्रोनंसिएशन पर फिर ध्यान दीजिए, डेनुमा। ठीक है, डेनुमा आप नेट वगैरह पर देख लीजिए, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन इसका चेक कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मीनिंग देखते हैं हम, द आउटकम और रेजोल्यूशन ऑफ अ सीरीज ऑफ अकरेंस, कोई घटनाएं हैं वो घटित हो रही हैं, उन सब घटनाओं के घटित होने के बाद उसका जो परिणाम निकल के आता है अंततः, उसे हम क्या कहते हैं, डेनुमा। ठीक है, सिनोनिम्स आप देख रहे होंगे, सिनोनिम्स आपके सामने हैं एपिलॉग, एपिलॉग की हिंदी आप लोग जानते हैं क्या कह सकते हैं उसे, जो अंत में निष्कर्ष उसका निकले वो, कल्मिनेशन किसी चीज़ की पराकाष्ठा, जब एकदम अंततः कोई चीज़ खत्म हो जाए उसके बाद रिजल्ट आपके सामने आए कल्मिनेशन आपका, क्लाइमेक्स आप जानते हैं चोटी कहते हैं एकदम सबसे टॉप पोजिशन, कंक्लूजन कब निकलता है निष्कर्ष आपका, जब पूरी पूरी कहानी खत्म हो जाती है उसके बाद सबका सब पर ग्लॉसरी डाल करके और उसका निरीक्षण करके अंततः हम जो निकालते हैं अब जो बात निकल कर आती है वो क्या कहलाती है, कंक्लूजन। ठीक है, रेजोल्यूशन हिंदी आप लोग जानते हैं, रेजोल्यूशन मतलब दृढ़ के सेंस में होती है, बट रेजोल्यूशन कब निकल के आता है आपका, समाधान या कोई दृढ़ निश्चय कब निकल के आता है, जब कई चीज़ें आपके सामने मतलब घूमती फिरती रहती है और वहां से उन चीज़ों पर विचार करने का जब अपना एक निर्णय आप लेते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, अंततः समाधान निकल जाता है, इसीलिए उसको रेजोल्यूशन को इस सेंस में यहाँ पे लिया गया है। ठीक है, एक तो ये हो गया कि अंत में जाकर के आपको आपका आंसर मिला या रिजल्ट मिला। ठीक है, और फिर उसका एंटोनिम अगर होगा तो फिर वो क्या हो जाएगा, उस पर ध्यान देते हैं हम कि बिगिनिंग, एंटोनिम क्या, बिगिनिंग मतलब शुरुआत, ओरिजिन मतलब उत्पत्ति जहां से वो उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, यूजेस देखते हैं, इन द प्लेज डेनुमा, यहाँ पे प्लेज मतलब नाटक, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नाटक हमारे महान नाटककार आप लोग जानते होंगे इंग्लिश लिटरेचर कौन थे, विलियम शेक्सपियर। ठीक है, तो इन द प्लेज डेनुमा द टू लवर्स किल देमसेल्व्स, जो उस नाटक का डेनुमा मतलब कि उपसंहार था, निष्कर्ष था, उस उपसंहार में क्या होता है, अंतिम जो वहाँ पे मतलब कार्यक्रम चलता रहा उसमें क्या होता है कि द टू लवर्स जो दोनों प्रेमी थे किल देमसेल्व्स, वो दोनों क्या कर लेते हैं, एक दूसरे को मार लेते हैं, ये उस कहानी का उस नाटक का क्या था, उपसंहार अंत का उसका डेनुमा था। ठीक है, आगे चलते हैं अगले वर्ड पे, मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे तरीके से पूरा वीडियो समझ में आ रहा होगा, ध्यान से देखते रहिए, जो चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करें तुरंत कमेंट किया करें ताकि अगले वीडियो में हम उसको अपना आपका सही करके दे सकें आपको। ठीक है, चौथा वर्ड हमारे सामने है, चौथा वर्ड आप लोग देख रहे होंगे आपके सामने एम्बेटल्ड, एक एडजेक्टिव फॉर्म है, एक्चुअली एम्बेटल वर्ब होती है हमारी, उसमें ईडी लगा करके हमने इसको क्या कर दिया, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में इसको एडजेक्टिव बना दिया है। तो एम्बेटल्ड मीनिंग जो आप लोग देख रहे होंगे अपने सामने, इन्वॉल्व्ड इन, शामिल होना, और प्रिपेयर्ड फॉर, तैयार रहना वॉर, यहाँ पे देखिए प्रीपोजिशन का यूज भी मैं आपको बता दूँ, इन्वॉल्व अपने साथ हमेशा प्रीपोजिशन लेता है इन, सॉरी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है इस स्लाइड्स में, हाँ तो हम देख सकते हैं सामने, इन्वॉल्व्ड, इन्वॉल्व अपने साथ क्या प्रीपोजिशन लेता है इन, तो वो उस वर्ब का प्रीपोजिशन उससे कभी अलग नहीं हो सकता है, और उसके बाद प्रिपेयर के साथ हम क्या प्रीपोजिशन लेते हैं, फॉर, इन्वॉल्व्ड इन वॉर या फिर प्रिपेयर्ड फॉर वॉर। ठीक है, ऐसे कहने का मतलब था उसका, या तो वॉर में उस युद्ध में शामिल होना है उसके लिए तैयार होना, स्पेशली बिकॉज सराउंडेड बाय एनिमी फोर्सेस, कब, जब आप अपने शत्रुओं से घिर जाएं और उस समय आप अपने आप को पुख्ता करें, मजबूत करें, अपने आप को व्यू रचना करें, तो आप क्या कहेंगे, इम्बैटल्ड कहलाएंगे, जैसे कि अभिमन्यु जब उस सातवें चक्र में फंस चुके थे, सब तरफ से घिर चुके थे, तो जो उनकी व्यू रचना थी वो क्या एक तरीके की थी, इम्बैटल थी। ठीक है, युद्ध के लिए श्रेणीबद्ध, जब आप पूरी तरीके से घिर जाएं और उस समय जो आपने मोर्चाबंदी अपनी की, अपने आप को व्यू रचना की अपनी अपने आप को बचाने के लिए, वो इम्बैटल्ड कहलाता है वहाँ। ठीक है, क्रेनेलेटेड, ये वर्ड की हिंदी आप लोग समझ लीजिए, आप लोगों ने मूवी देखी होगी बॉर्डर वगैरह, फिर ऐसी जो भी मूवी देखी हो आप ध्यान देते होंगे, वो एक दीवार होती है और उसमें हल्का से एक पोर्शन ऐसे छूटा होता है, क्या करने के लिए, वहाँ पर बंदूक रख के खुद को तैयार रखने के लिए, तो जब वो पोजीशन में आप तैयार हो जाते हैं उसमें आप क्या कहलाते हैं, क्रेनेलेटेड, क्रेनेलेटेड ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बीसेट मतलब तैयार रहना पहले से, फॉरफिट युद्ध के लिए अपने आप को तैयार रखना। ठीक है, एंटोनिम्स देख लेंगे, प्लेन मतलब नॉर्मल साधारण अवस्था में रहना, अनप्रिपेयर्ड बिना तैयारी के रहना। ठीक, यूजर्स देख रहे होंगे आप लोग, इट वॉज 3 o'clock, 3 बज रहे थे, बिफोर द किंग्स आर्मी वॉज इम्बैटल्ड,
मतलब 3 बज रहे थे बिफोर द किंग्स आर्मी वॉज इम्पोर्टेंट, इससे पहले जो राजा की सेना थी वो क्या हो चुकी थी, व्यू रचना में पूरी तरीके से तैयार हो चुकी थी, या फिर आप कह सकते हैं कि 3 बजे के पहले ये जो राजा की सेना थी वो अपने आप का इम्बैटल्ड कर चुकी थी, मतलब युद्ध के लिए श्रेणीबद्ध वो हो चुके थे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हम अपने आगे देखते हैं, पांचवा कैवेट। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में लिखा आपके सामने कैवेट, मीनिंग आप लोग देख रहे होंगे, अ वार्निंग ऑफ स्पेसिफिक स्टिपुलेशंस कंडीशंस और लिमिटेशंस। अगर आपको कोई चीज़ चेतावनी दी जाए आपकी सीमाओं को अंतर्गत, या फिर आपको कोई शर्त वगैरह बता करके जो चेतावनी दी जाए या बताया जाए उसे हम क्या कहते हैं, कैवेट। ठीक है, सिनोनिम्स आप देख रहे होंगे आपके सामने दिए हैं, एडमोनिशन झिड़की देना बताना, मोनिशन मतलब थोड़े से रूखे बिहेवियर के साथ आपको कोई चीज़ बताना, कंडीशन आपके सामने शर्ते रखना, तो अगर कोई आपके सामने शर्त रखेगा तो आपके खिलाफ ही होंगी वो शर्तें, तभी तो आपके सामने शर्त कहा जा रहा है उसे, क्योंकि तो चेतावनी हुई आपको बता दिया है कि आपकी कार्य सीमा इतनी ही है इसके अंतर्गत आपको कार्य करना। ठीक है, स्टिपुलेशन कोई भी शर्त वगैरह कोई भी कंडीशन वगैरह। ठीक है, एक तो ये हो गया कि आपको चेतावनी दे दी गई, कॉन्सोनेंस आपको एक तरीके की मतलब फ्रीडम दे दी गई, सहानुभूति कह दी, सांत्वना दे दी गई। ठीक है, और केयरलेसनेस या फिर उस चीज़ पर कोई ध्यान ही नहीं दिया गया, कोई बाउंड्री ही नहीं निर्धारित की गई आपकी, तो वो केयरलेसनेस हो जाएगा। यूजर्स देख रहे हैं हम, कलेक्टर्स कैन नॉट इम्पोज कैवेट ऑन बैंक ऑफिशियल्स ओवर प्रॉपर्टी रिकवरी। जब कोई लोन वगैरह कोई इंसान ना भर पाए तो बैंक के अधिकारी वहाँ जाकर के उसकी प्रॉपर्टी से जो भी चीज़ उसने वहाँ पर अपनी रखी हो उसके पेपर्स, तो वो क्या करता है उस प्रॉपर्टी से वो पैसे अपने रिकवर करता है। तो जब ऐसा इशू कहीं बैंक के सामने आता है और जब बैंक वो प्रॉपर्टी से रिकवरी करने जाएगा तो जो भी कलेक्टर्स वगैरह या फिर जो भी अधिकारी वगैरह हैं वो उनके ऊपर कोई भी कैवेट मतलब कोई भी सीमा या फिर कोई भी उन्हें चेतावनी दे सकते, कोई भी सीमा उन्हें बांध नहीं सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे कहने का उसका मतलब। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम, छठवां वर्ड हमारा जेटिसन। जेटिसन वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, काफ़ी बार एग्जाम में आ भी चुका है। जेटिसन मतलब होता क्या है कि कोई एयरक्राफ्ट वगैरह हो या फिर कोई नाव वगैरह हो और वो ओवरलोड हो चुकी हो और अब उसका चल पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा हो, तो अपनी गति को वहाँ पर स्थिर रखने के लिए क्या किया जाता है, जो सामान वगैरह जो मलबा वगैरह निकाल कर फेंका जाता है वहाँ से उस एयरक्राफ्ट में से या फिर किसी वैसल वगैरह नाव वगैरह में से, तो वो क्रिया क्या कहलाती है, जेटिसन। आपके यहाँ पे मीनिंग दी हुई, ध्यान देंगे आप, टू कास्ट ओवरबोर्ड इन ऑर्डर टू लाइटन अ वेसल, टू कास्ट ब्रैकेट में गुड्स लिखा ध्यान दीजिएगा, टू कास्ट गुड्स ओवरबोर्ड इन ऑर्डर टू लाइटन अ वेसल, एक किसी भी वेसल ऑफ एयरक्राफ्ट, किसी भी वेसल किसी भी नाव या फिर किसी भी एयरक्राफ्ट किसी विमान वगैरह को हल्का करने के लिए जो कुछ भी माल वगैरह निकाल कर फेंका जाता है, और या फिर टू इम्प्रूव इट्स स्टेबिलिटी, भाई वजन रहेगा ज़्यादा ओवरलोड हो जाएगा तो शायद एयरक्राफ्ट भी ऐसे वेवरिंग हो और या फिर वेसल जो हो आपकी वो भी ठीक से ना चल पाए, तो उसकी स्टेबिलिटी उसकी स्थिरता को बनाए रखने के लिए जो हम सामान वगैरह निकाल करके फेंकेंगे इमरजेंसी के टाइम उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, जेटिसन। हिंदी लिखी आपके सामने, अनावश्यक बोझ को बाहर फेंक देना। ठीक है, सिनोनिम्स से क्या होंगे, अगर आप किसी चीज़ को बाहर फेंक दें इसका मतलब क्या कर दे, अबैंडन कर दे रहे हैं, त्याग दे रहे हैं, एबडिकेट कर दे रहे हैं मतलब छोड़ दे रहे हैं, स्लफ, स्लफ वर्ड आप ध्यान देंगे जरा इसकी मीनिंग क्या होती है, जो सांप वगैरह केंचुल नहीं अपनी स्किन वगैरह जो फेंकते हैं जिसे हम हिंदी में केंचुल कहते हैं, वो क्या उसका क्या कहना था, उसे स्लफ कहते हैं। आखिर वो कब करता है, जब वो उसके लिए अब कोई यूज़ नहीं रहता, वो उसकी उसकी ख़राब हो गई होती तभी तो वो उसको फेंकता है ना, तो वही इसी सेंस में यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, एंटोनिम्स आप देख रहे होंगे, असर्ट मतलब स्वीकार कर लेना, रिटेन या मतलब बनाए रखना। यूजेज आपके हैं, 6 एयरक्राफ्ट जेटिसन देयर लोड्स इन द सी, जो 6 एयरक्राफ्ट थे उन्होंने क्या किया, जेटिसन अपने जो इमरजेंसी के टाइम में उनके जो अनावश्यक बोझ वगैरह पर लगा हुआ था उसको क्या किया, मतलब जो अपेक्षाकृत अनावश्यक हो, अनावश्यक तो होगा नहीं जो एयरक्राफ्ट में ले जाएंगे, बट अब जब इमरजेंसी आ ही गई है तो बाकी सामान से अपेक्षाकृत जो सामान कम मूल्यवान हो उसे क्या किया, फेंक दिया गया, कहाँ पर फेंक दिया गया, इन द सी समुद्र। ठीक है, तो क्लियर हुआ ये वर्ड। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम, सातवां वर्ड, सातवां वर्ड हमारा क्या है, बेलिकोस। बेलिकोस एक एडजेक्टिव है, आप मीनिंग देख रहे होंगे, डेमोन्स्ट्रेटिंग एग्रेशन, मतलब कि डेमोन्स्ट्रेटिंग की हिंदी आप लोग जान रहे होंगे, सॉरी डेमोन्स्ट्रेटिंग की हिंदी आप लोग जान रहे होंगे क्या होती है, प्रदर्शित करना। ठीक है, प्रदर्शित करना, डेमोन्स्ट्रेटिंग एग्रेशन, एग्रेशन मतलब आक्रामकता, और विलिंगनेस या फिर इच्छा ऑफ फाइट, झगड़े की मतलब आक्रामकता के साथ झगड़ा प्रदर्शित करना या फिर अपनी इच्छा होना क्या झगड़ा करने की, तो वैसे ऐसा इंसान क्या कहलाता है, बेलिकोस। ठीक है, सिनोनिम्स आप देख रहे होंगे, बेलिग्रेंट झगड़ालू, होस्टाइल जो शत्रुवत हो, थ्रेटनिंग जो हमेशा भयंकर रूप से थोड़ा दिखाया जाता है, हमेशा गुस्सैल निगाहों के साथ रहता हो, एंटागोनिस्टिक जो हमेशा आपका आपसे दुश्मनी लेने मोल लेने के का व्यवहार रखता हो,
और पग्नेशियस जो हमेशा शत्रुवत टाइप का रहता हो उसे पग्नेशियस कहते हैं। तो ये इसके क्या हो गए सिनोनिम्स, जो एक तो हो गया सिनोनिम जो झगड़ा करने वाला हो तो उसका एंटोनिम क्या हो जो आपसे मित्रवत हो थोड़ा, ठीक है। पीसेबल मतलब क्या, जो शांति व्यवस्था बनाए रखना चाहता हो वो, और एग्रीएबल जो हर चीज़ पे आपसे सहमत हो सकता हो वो, ठीक है। यूजर्स देख लेंगे, देख रहे हैं आप लोग, नीदर सैंक्शंस नॉर वार्निंग्स, न ही वो सारे आपके काम जैसे सैंक्शन कर दिया जा सके, नॉर वार्निंग्स और न ही कोई ऐसी चेतावनी थी इशूड बाय अदर पावर्स हैव हैड एनी इम्पैक्ट ऑन नॉर्थ कोरिया बेलिकोस बिहेवियर, जो नॉर्थ कोरिया का झगड़ालू व्यवहार है हैव हैड एनी इम्पैक्ट, उसके ऊपर ऐसा कोई भी प्रभाव नहीं है, नीदर सैंक्शंस नॉर वार्निंग्स, न ही किसी ने उस पर कोई चेतावनी दी है, न ही कोई उसको काम करने के लिए कहा गया है किसी और शक्ति द्वारा जिसका इम्पैक्ट उस पर पड़ा हो, जिस वजह से उसका व्यवहार जो है क्या हो गया, झगड़ालू हो गया है पूरा। अगर एक उसका सार निकाले तो क्या हो जाएगा कि किसी भी ऐसी मतलब वैदेशिक शक्ति या फिर कोई भी ऐसा शक्तिशाली देश ऐसा कोई नहीं है जिसने कि नॉर्थ कोरिया पे किसी भी तरह का प्रेशर डाला है जिस वजह से उसका व्यवहार आज झगड़ालू हो चुका है, ठीक है। व्यवहार का झगड़ालू आप लोग जान रहे हैं, उनके जो महान प्रेसिडेंट हैं उनके बारे में अच्छे तरीके से, इस वजह से उस देश के बारे में ऐसा आज कहा जाता है, ठीक है। फिलहाल हम यहाँ पे वर्ड पढ़ रहे हैं, हम कोई जीएस वगैरह नहीं पढ़ेंगे, आगे बताएं। अगला वर्ड देखते हैं हम एक्लेक्टिक, एक्लेक्टिक क्या है, एक एडजेक्टिव है, ठीक है। मीनिंग देख रहे हैं आप लोग, इंक्लूडिंग थिंग्स टेकन फ्रॉम मेनी डिफरेंट सोर्सेज, जब कई अलग अलग संसाधनों से आप कई चीज़ों को लेके आ करके एक जगह पर इकट्ठा कर दें तो वो क्या कहलाती है, एक्लेक्टिक मतलब सार्वग्रही। एक हिंदी और यहाँ पे दी गई है उदार, ठीक है। सिनोनिम्स आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा होगा वाइड रेंजिंग, भाई जब कई अलग अलग जगहों से आया है कोई चीज़ तो वाइड रेंजिंग मतलब उसका उसका जो क्षेत्र सीमा होगी क्या होगी, विस्तृत होगी। वाइड समझ रहे होंगे आप लोग, ब्रॉड बहुत ही विस्तृत होगा, एक्सटेंसिव एक्सटेंड मतलब बढ़ाना होता है, एक्सटेंसिव मतलब जिसकी सीमाएं काफ़ी ज़्यादा हो, और कॉम्प्रिहेंसिव मतलब कि जो आपका सार्वग्रही हो, ठीक है। एंटोनिम्स आप देख रहे होंगे इसका क्या, एक तो हो गया विस्तृत हो गया काफ़ी, दूसरा एंटोनिम आपके सामने क्या है, नैरो मतलब जो बहुत ही संकीर्ण किस्म का हो, ठीक है। और डॉगमेटिक मतलब कि जो एकदम सिद्धांतवादी हो, सिद्धांतों पर ही चलने वाला, उससे हेर फेर कुछ अलग ना करे, ठीक है। तो ये एंटोनिम इसके हो गए। यूजर्स देख रहे होंगे आप, द कलेक्शन इंक्लूड्स एन एक्लेक्टिक मिक्स ऑफ हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स, जो वो कलेक्शन था वहाँ पर वो क्या था, इंक्लूड्स एन एक्लेक्टिक मिक्स, वो एक तरीके का सार्वग्रही मिश्रण था, कई चीज़ों से मिला हुआ मिश्रण था। किस चीज़ का मिश्रण, वो कई चीज़ें कौन सी, ऑफ हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स, आर्टिफैक्ट्स की हिंदी आप लोग सुनिएगा ध्यान से, कलाकृतियाँ होती हैं, ठीक है। जो हमारी ऐतिहासिक कलाकृतियाँ थी उन सबका एक समूह था वो एक्लेक्टिक मिक्स, वो सार्वग्रही मिश्रण, ठीक है। तो ये वर्ड्स, अब ये वर्ड आपका क्लियर हो गया, आठ ही वर्ड्स हो गए, अब आगे आप जान रहे हैं आगे आपको क्या मिलने हैं, चार वन वर्ड्स मिलने हैं, ठीक है, चार या तीन वनवर्ड्स और चार एडियम्स ऐसे कुछ होंगे, आगे देखते हैं हम क्या है। नार्सिसिस्ट शब्द है आप अच्छे से जानते हैं, नार्सिसिस्ट, ठीक है। नार्सिसिस्ट की हिंदी क्या होती है, आत्ममोहवादी, जिसको अपने से बहुत प्रेम हो, अपनी चीजों को हमेशा बढ़ा बढ़ाकर जो बताए वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, आपका नार्सिसिस्ट कहलाएगा, ठीक है। मीनिंग आपके सामने, समवन इन लव विद हिमसेल्फ, जिसको खुद से ही इतना इतना मोह हो, इतना लगाव हो, इतना प्रेम हो, जो अपनी ही हमेशा गाता है, गाता रहे सबके सामने, ठीक है। आप लोग इंडिया में जानते हैं ब्लोइंग हिज ओन ट्रम्पेट, तो उसके मीन्स होता है नार्सिसिस्ट, जो आत्मवादी हो। यूजर्स है, ही इज अ नार्सिसिस्ट एंड थिंक्स द वर्ल्ड रिवॉल्व्स अराउंड हिम, वो एक आत्मवादी व्यक्ति है एंड थिंक्स, और हमेशा सोचता क्या सोचता है, द वर्ल्ड रिवॉल्व्स अराउंड हिम, कि जो पूरा पूरा विश्व है वो उसके इर्द गिर्द घूमता है, उसके कहने पर चलता है, ठीक है। तो ये होगा आपका नार्सिसिस्ट हो गया। अगला शब्द हमारे सामने है टर्माजेंट, ठीक है। टर्माजेंट क्या होता है, लड़ाका मतलब जो हमेशा झगड़ालू किस्म का हो, लड़ने के उसमें, लेकिन यहाँ पर जो मीनिंग उसकी ध्यान दे दीजिएगा, अ स्कॉल्डिंग नैगिंग बैड टेम्पर्ड वुमेन, एक चिड़चिड़ी और हमेशा क्रोधित रहने वाली तुनक मिजाज महिला, उसको हम क्या कहेंगे, टर्माजेंट, ठीक है। ये तो हम सबके लिए शायद इस्तेमाल कर सकते हैं, सभी ऐसी होती हैं, ठीक है। फिलहाल यूजेस क्या है आपके, यो हाइनेस, हाइनेस की हिंदी ध्यान दीजिएगा आप लोग, महारानी, ठीक है। महारानी हम ऐसे कह रहे हैं, लेकिन जो भी आपके सामने कोई ऊंचे पद का हो, जिसके सामने आप अपनी बात रख रहे हैं, उसके लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करें योर हाइनेस, ठीक। योर हाइनेस सॉरी अबाउट द श्रीकिंग टर्माजेंट, उस चिड़चिड़ी या फिर क्या कहें कि बड़बोली महिला, बड़बोली और चिड़चिड़ी महिला के व्यवहार के लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका टर्माजेंट। नॉट, नॉट आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, गांठ को कहते हैं, किसी भी चीज़ में जो गांठ पड़ जाए उसको नॉट कहा जाता है, के यहाँ साइलेंट रहेगा ध्यान दीजिएगा, एन ही पढ़ेंगे इसको नॉट, ठीक है। यहाँ पे कॉमा दे दीजिए आप लोग, सॉरी। अ टैंगल्ड मास मतलब टैंगल्ड मतलब बहुत ही घाल मिल टाइप का, बहुत ही वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, ऐसा मास, ऐसा ऐसा समूह जो क्या अटैंगल्ड हो, बहुत ही उलझ चुका हो इन समथिंग सच एज हेयर और वूल,
मतलब आपके बाल वगैरह ऊन वगैरह जब पूरी तरीके से एकदम उलझ जाए उधेड़ गुन में हो जाए तो क्या कहलाएगा आपका, उसे नॉट कहते हैं। ठीक है, टाई ए नॉट मतलब कि एक नॉट गार्ड बांधिए एट द एंड ऑफ द कॉर्ड, कॉर्ड मतलब रस्सी होता है, उस रस्सी के लास्ट में आप क्या करिए गार्ड बांध दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिपरेशन। रिपरेशन मतलब क्या होता है, क्षतिपूर्ति, कोई नुकसान आपने कर दिया हो अब उसके लिए जो नुकसान आपने किया है उसका भरण पोषण कर रहे हैं आप, मतलब उसको उसकी पूर्ति कर रहे हैं उस नुकसान की, तो वो क्या कहलाएगा रिपरेशन। इसके सिनोनिम्स आप लोग जान सकते हैं, अमेंड्स वगैरह होता है, मेकअप फॉर वगैरह होता है। ठीक है, क्षतिपूर्ति उसकी मीनिंग क्या है, द एक्शन ऑफ मेकिंग अमेंड्स फॉर अ रॉन्ग वन हैज डन। ठीक है, सॉरी वापस देख रहे हैं, द एक्शन ऑफ मेकिंग अमेंड्स क्या करना, क्षतिपूर्ति करने का कार्य फॉर अ रॉन्ग कोई गलत काम के लिए, वन हैज डन जो किसी किसी ने किया हो, मतलब किसी व्यक्ति ने या किसी ने भी कोई गलत काम कर दिया और आप उसकी क्षतिपूर्ति जाहिर कर रहे हैं, उस गलत काम को जाके सही करवा रहे हैं वहां पर के, तो आप वो क्या कहलाएगा रिपरेशन। ठीक है, शी सेज दैट वो कहती है कि शी इज सॉरी, वो माफी मांग रही है एंड वॉन्ट्स टू मेक रिपरेशन और क्षतिपूर्ति करना चाहती है। ठीक है, ये हमारे चार वन वर्ड्स हो गए। अब आगे तीन हमको क्या मिलेंगे हमारे तीन हमको क्या मिलेंगे हमारे idioms मिलेंगे। टोकन स्ट्राइक आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, टोकन स्ट्राइक मतलब होता है एक सांकेतिक हड़ताल, एक धमकी भरी हड़ताल कि हम आगे और भी कुछ कर सकते हैं, उसे हम टोकन स्ट्राइक कहते हैं। मीनिंग आपके सामने लिखी हुई है, शॉर्ट स्ट्राइक छोटी सी हड़ताल हेल्ड एज अ वार्निंग जो एक चेतावनी की तरह आपके सामने हो। ठीक है, हिंदी लिखी हुई है सांकेतिक हड़ताल, दे कॉल्ड 24 आवर्स टोकन स्ट्राइक। यहाँ पे ग्रामर का एक यूज ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी एस होना चाहिए था, 24 घंटों की। ठीक है, बट ध्यान देने का आप लोग केवल अपोस्ट्रॉफी लगा, क्यों, क्योंकि वहाँ पहले से हिसिंग साउंड है आवर्स का एस पहले से, इस वजह से केवल अपोस्ट्रॉफी लगा करके ये जाहिर कर दिया गया कि वहाँ पे क्या होगा आपका अपोस्ट्रॉफी एस होगा। तो मीनिंग क्या हो जाएगी इसकी, दे कॉल्ड 24 आवर्स टोकन स्ट्राइक, उन्होंने 24 घंटे की एक सांकेतिक हड़ताल की। ठीक है, आगे हम वर्ड देख लेते हैं दो वर्ड्स और हमारे बचे हुए, सॉरी 14वां जो आपका idiom है इस सेशन का 14वां वर्ड है गोइंग प्लेसेस। गोइंग प्लेसेस मतलब क्या होता है आप लोग जानते होंगे, कई बार एग्जाम में आ चुका है, टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल, प्रतिभावान और सफल जो हो उसे हम क्या कहेंगे, गोइंग प्लेसेस कहेंगे। दे सेड दैट वे कहते हैं सॉरी दे सेड दैट उन्होंने कहा, द ग्रुप वॉज क्लियरली गोइंग प्लेसेस, जो वो समूह था उन लोगों का जो समूह था क्या था, वॉज क्लियरली गोइंग प्लेसेस, वो स्पष्टता सबके सामने था कि क्या वे सफल थे और क्या थे प्रतिभावान थे। ठीक है, उस ग्रुप के लोग। 15वां हमारे सामने इंडिया में बीट ऑफ, बीट ऑफ मतलब पीछे हटना, ड्राइव बैक, जेट एयरवेज मस्ट बीट ऑफ स्टिफ कंपटीशन टू विन द कॉन्ट्रैक्ट। तो जेट एयरवेज से यहाँ पे कहना है कि जो जेट एयरवेज है उन्हें क्या करना पड़ेगा, जो बहुत ही अच्छा जो प्रतिस्पर्धा वो कर रहे हैं बहुत ही ऊंचे स्तर पर उठ करके, वहां से उन्हें क्या करना, ड्राइव बैक करना पड़ेगा, बीट ऑफ करना, पीछे हटना पड़ेगा, क्या करने के लिए, टू विन द कॉन्ट्रैक्ट, इस कॉन्ट्रैक्ट को जीतने के लिए जो उनके अपने कंपटीशन, अपनी प्रतिस्पर्धाएं, अपने स्टैंडर्ड जो उन्होंने निर्धारित किए उनसे उनको नीचे आना पड़ेगा, तो जाकर के वो अपना ये कंपटीशन सॉरी कॉन्ट्रैक्ट वो जीत सकते हैं। तो ये 15 वर्ड्स आपके सामने थे, आपने देखे इस सेशन में हमारे, कोई भी कमी रही होगी कुछ अच्छाई रही होगी सारी चीज़ें कमेंट बॉक्स में बताइए हमको। एक चीज़ और ध्यान रखिए, जो मैंने वीडियो स्टार्ट होने पे बताया आपको कि PDF इसका लिंक नीचे दी हुई है उस पर आप ध्यान दीजिए, PDF यहाँ से उठा लीजिए आपके लिए काम आएगा, एक्सप्लेन मैंने कर दिया, जब भी आप देख सकते हैं, एक बार देखिए वीडियो को, दो बार देखिए, तीसरी बार देखिए, अपने आप आपको फिर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो चीज़ें अपने आप आपके मुँह से निकलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, कोशिश मेरी यही रही कि मैं इस जो आपकी प्लेलिस्ट है इसे हम मैं ऐसे आगे बढ़ाता रहूँ निरंतर आते हुए और आपको नए नए वर्ड्स आगे मिलते रहें क्योंकि एग्जाम सारे नज़दीक हैं आपके। ठीक है, तो बाकी जनरल सी बात है, जैसा लोग कहते हैं सभी लोग, मैं भी वो कहता हूँ कि वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, कमियाँ क्या है वो जरूर बताइए, अच्छा है तो कोई बात नहीं, ठीक है, मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करता रहूँगा, इसी तरीके से आप लोग अपनी जिम्मेदारी पूरी करती है, वीडियो देखिए अच्छे से, कंपटीशन प्रिपरेशन अच्छे से करिए और वीडियो को शेयर करिए, हाँ लेकिन कमियाँ जरूर बताइए। ठीक है।